वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, मैं हूं धर्मवीर गुप्ता और मेरे साथ है रविनाथ सिंह। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग बिहार के हर एक टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे और वहाँ के बारे में आपको बताएंगे, तो आज हम लोग आ चुके हैं गांधी संग्रहालय। गांधी संग्रहालय में एंट्री कीजिएगा ना, तो उसके साथ ही आपको ये फोटो देखेगा जिसमें साफ लिखा हुआ है प्राण उन लोगों का है जो यहाँ के लिए मरने और जीने के लिए तैयार। अंदर जाकर के एक्सप्लोर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं। 1948 में जब गांधी जी का मर्डर हुआ था, तो उसके बाद ये मांग हुई कि इनके लिए म्यूजियम बनाया जाए। तो गरीब और अमीर लोगों ने मिलकर के एक ट्रस्ट बनाया और उसके अराउंड 11 म्यूजियम बनाया गया। ये जो पटना का म्यूजियम है वो 1967 में बनकर कंप्लीट हुआ और फॉर सम अननोन रीजंस 1971 में ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बन गया। जैसा कि अभी हमने जस्ट आपको बताया कि इस गांधी संग्रहालय को दो सेक्शन में बांटा गया है। पहला, जिसमें गांधी जी ने बिहार में जो कुछ भी किया, जितने भी सत्याग्रह किए, उनको एज अ विजुअल रिप्रेजेंट किया गया है, वो जस्ट वही पीछे है जिसमें अभी हम जाने वाले हैं। और दूसरा, जिसमें उनके द्वारा यूज किया गया चरखा या फिर और भी जितने चक्की हैं वो सारे उस सेक्शन में रखे गए, वहाँ पर हम लोग जरूर हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इस पहले सेक्शन में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है और जो कि बतलाता है उनके एक्चुअल लाइफ को जो उन्होंने बिहार में जिया। इस सेक्शन में एंटर करने के साथ एक बहुत ही खास बात आपको पता चलेगी जो कि हम एंट्री के बाद ही बताएंगे। जिस खासियत के बारे में मैंने आपको बताया था, वो खासियत ये है कि एंट्री के साथ ही लेफ्ट साइड में महात्मा गांधी जी का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके एंसेस्टर से लेकर उनके ग्रैंड सन तक, ग्रेट ग्रैंड सन तक दिखाया हुआ है। और जैसे ही आप दोबारा जब लौट करके इसी गेट से बाहर निकलेगा ना, तो राइट साइड में उनके मृत्यु तक दिखाया गया है। तो एक तरह से बोला जाए तो उनके कम्प्लीट बिहार के लाइफ साइकिल को यू शेप में शो किया गया है। और सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि चंपारण के किसानों का, जिनसे जबरन इंडिगो में खेती करवाई जाती थी और जिसके कारण सारा जो न्यूट्रिएंट्स का सॉइल का खत्म हो जाता था और वो जो मिट्टी थी पौधा वो जड़ होती ही नहीं, जिससे किसानों का हेवी लॉस हो गया। चंपारण से तय करने के बाद उन्होंने एक और बहुत ही बड़ा आंदोलन किया था जो था गांधी मार्च। इसमें उन्होंने क्या किया था कि 241 माइल्स का पैदल मार्च किया था अहमदाबाद से लेकर के गांधी तक, जिनमें उनका नाम 78 कंटेनर्स के साथ दिया था और सारे कंटेनर्स का नाम याद नहीं। ये जो मार्च था वो साल जूल के अगेंस्ट था, क्योंकि साल जूल नहीं पता है। 1930 में गांधी मार्च के बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, शायद आपको उसके बारे में पता ना हो, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस दो बार हुआ था। फर्स्ट टाइम ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ही असफल हुआ था, लेकिन सेकेंड टाइम जब कॉन्फ्रेंस हुआ वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गांधी जी से डिमांड किया कि आप जितने भी रेगुलेशन चला रहे हैं वो सारा बंद कर दो, और बदले में गांधी जी ने डिमांड किया कि जितने भी रिवोल्यूशनरीज को उन्होंने बंद करके रखा है जेल में उन्हें वो छुड़ा। तो यही पर कॉन्ट्रोवर्सी ये शुरू हुआ था कि उनके पास ऑप्शन था भगत सिंह को छुड़ाने का, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों ये हमें अभी तक नहीं पता है, क्योंकि गांधी मार्च के बाद या फिर 1930 के बाद बिहार से महात्मा गांधी जी कोई भी बड़ा रिवोल्यूशन नहीं किया। और उसके बाद वो जब कभी बिहार आए थे तो मुश्किल से 10 दिन के लिए उसे कभी नहीं। इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेक्शन में सेकेंड पार्ट आता है जिसमें बिहार के बारे में हम लोगों को बताया गया है, बिहार के शासन के बारे में, बिहार को कितना इम्पैक्ट पड़ा रेवोल्यूशन का, प्लस साढ़े सात जो थे रेवोल्यूशन का वो भी बताया गया है। तो हम लोग बाद में देखेंगे, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि आगे का थोड़ा सा फोटोग्राफ्स।
अब हम आ गए हैं फर्स्ट सेक्शन के सेकंड पार्ट में, जहां हम बिहार की धरती से जुड़ी धरोहरों को देखेंगे और साथ ही उन सपूतों को जिन्होंने बिहार को संवारने में अहम योगदान दिया है। तो आइए चलते हैं। गांधी संग्रहालय का फर्स्ट सेक्शन, जिसमें आपने उनके जीवन काल के बारे में देखा, जितने भी सामान उन्होंने यूज किया था वो विदेशी थे, वो आपको मिलेंगे दूसरे सेक्शन में। तो आइए चलते हैं। जब हम सेकेंड सेक्शन की तरफ मूव कर रहे थे ना, तो बीच रास्ते में हमें मिला पंडित राजकुमार शुक्ल जी का मूर्ति। ये वही पंडित राजकुमार शुक्ल जी हैं जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा बनने पर मजबूर किया। ये उनको अराउंड 3 महीने तक फॉलो करते रहे, जबरदस्ती इन्हें पटना लेकर के आया और यहीं से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। और मेन अगर रीजन माना जाए मोहनदास करमचंद गांधी जी का महात्मा गांधी बनने का, ये पंडित राजकुमार शुक्ल जी। जैसे हम लोग सेकंड सेक्शन में एंटर करते हैं, तो उन्होंने आपको पहले ही बोला कि गांधी जी के द्वारा यूज किया गया जितना भी चीजें वो यहाँ पर रखे हुए हैं, साथ ही साथ देसी चीजें भी रखी हुई है। आपको पता होगा कि स्वदेशी मूवमेंट एक स्टार्ट किया गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करने के लिए उसके सिर्फ देसी कपड़े। ये आप देख सकते हैं कि देसी भात सूती कपड़े बढ़ा है उसके गांधी जी का, उनके नमक सत्याग्रह चंपारण एक हिंदुस्तान में एक पैगाम दिया था, एक मैसेज दिया, संवाद दिया था गांधी जी का। कहीं ना कहीं से बिहार में रोजगार के अंतर तो बहुत ही कम थी, अगर कुछ है तो वो एक हमारा मेहनती बच्चा था। टूरिज्म पे आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार पूरा ध्यान दे रही है या फिर और ध्यान देने की जरूरत है? और ध्यान देने की जरूरत है, फिर पूरे तौर से दे नहीं पा रही जितना होना चाहिए। गांधी जी का कामों का सपना पूरा नहीं हो पाया, इसकी जरूरत है इस बिहार को और भी
आगे बढ़ने आप फर्स्ट टाइम यहाँ यहाँ सफाई है, शांति है और बहुत ही सुकून मिलता है। गांधी जी की दुनिया में सबको आनी चाहिए और गांधी जी की राह पे चलनी चाहिए, उनकी देशों को दिल में जगह देनी चाहिए और उस जगह पे चलनी चाहिए। खास करके पटना मधुबनी जिला से आए, पटना आए हैं, टूर के लाए हैं लोग गांधी जी का को। ये जो हमने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था, मुझे पता नहीं था कि ये खुद एक टीचर है, लेकिन इतना इन्होंने अच्छा बात रियलिटी बात बताया कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार कमजोर पड़ रही है टूरिज्म को बढ़ाने के मामले में, इस जगह को और भी ज्यादा एक्सपोज करना चाहिए। विद दैट सेड गाइस, आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। आप लोग जरूर यहाँ घूमने आए और हम लोग चलते हैं अपने घर। आप लोग करना बिल्कुल।